वो आई थिंक सामने शांति स्तूपा है। ये हमारे हैं वोल्केनिक मोमोज और ये हैं भूटानी मोमोज। जिस रेस्टोरेंट पे हमने ना मोमोज मंगाए थे, मोमोज तो बहुत ही टेस्टी थे, एक नंबर, तो हमने सोचा कि डिनर भी आज यहीं करके चलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त नवल एंड मैं हूं अभी लेह सिटी में। कल रात हम लेह पहुंच गए थे, बहुत ही टायरिंग जर्नी थी। सोनमर्ग से हमारा लेह का सफर थोड़ा टायरिंग था, रास्ता बहुत बढ़िया था, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं। आज सुबह उठ रही हमारा जो सबसे पहला टास्क है वो है अपनी बाइक को वॉश कराना। हमारी बाइक जो है रास्ते में बहुत सारी कीचड़ थी क्योंकि सोनमर्ग में काफ़ी बारिश हो रही थी, इस वजह से ना बाइक की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई है। सबसे पहले ले सिटी को घूमने के लिए हम अपनी बाइक को कराते हैं वॉश। भाई मैं निकला तो हूँ बाइक वॉश कराने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि बाइक वॉश कराने जाने के रास्ते में ही मैंने अपनी पूरी ले सिटी घूम लेनी है, क्योंकि वो जो सेंटर है वो लगभग 6 किलोमीटर दूर है और इतनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सी लोकेशन से मैं होकर गुजर रहा हूँ। अभी बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं भाई, पूरी सिटी जो है इतने सुंदर सुंदर पहाड़ों से घिरी हुई है और यही बात जो है इस सिटी को और दूसरी सिटी से अलग करती है। आप जरा एक बार रोड साइड देखिए, कितनी अच्छी तरीके से जो है ले सिटी यहाँ पर सजा रखी है। अपनी बाइक होने का फ़ायदा ये तो है, जहाँ मर्जी वहाँ जाओ, जहाँ मर्जी वहाँ रुको। भाई आगे का नज़ारा भी देखो भाई, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। यहाँ पर ऐसे ही सिटी को एक्सप्लोर करते रहो तो नज़ारे अपने आप ही अपने आप खूबसूरत से नज़ारे आपको देखने को मिलते ही जाएंगे। ले सिटी की यार सच में बात ही अलग है भाई। काफ़ी देर हो गई थी हमें वेट करते करते, तो हमने सोचा पहले कुछ खा लेते हैं। 12:30 बजने को है, हमने कुछ नहीं खाया सुबह से, तो पहले पेट पूजा, फिर उसके बाद जो है अगर लाइट आई होगी तो बाइक वॉश करवाएंगे। तो भाई ये रहा आज का हमारा लंच, सबने जो है यहाँ पर वेज थाली मंगाई है। तो भाई अभी खाना खाकर हम फिर से निकल लिए हैं अपनी बाइक वॉश के लिए, देखने के लिए कि भाई अब पानी आ गया हो तो बाइक वॉश करवाएं। ऐसा लग रहा है जैसे सामने ना बारिश भी हो रही हो, बारिश या फिर स्नो पड़ रही है या कुछ ना कुछ तो है। तो यहाँ हमारी तीनों बाइकें लग चुकी हैं अभी वॉशिंग के लिए। फ्री हुए हैं अपनी लेह सिटी को घूमने के लिए। अभी तक जो है बाइक वॉश करानी थी, वहाँ पर लाइट भाग गई, फिर हमने लंच करा, बाइक वॉश कराई, बाइक वॉश में टाइम लग गया। सूरज की काफ़ी तेज़ गर्मी यहाँ पर पड़ती रहती है, साथ में चलती रहती है ठंडी हवा, तो समझ में नहीं आता भाई के क्या पहने, गर्म जैकेट यहाँ पर पहने या फिर टी शर्ट में घूमें या फिर कुछ हल्का फुल्का जिससे सूरज की गर्मी से भी प्रोटेक्शन मिल सके और ठंडी ठंडी हवा से भी। जब भी लेह की कोई वीडियो देखी है ना, तो उन्होंने मोनेस्ट्री टाइप जो है या फिर पुराने ज़माने का जो है जो बसावट है वही दिखाई है। इस तरीके की बसावट तो किसी वीडियो में मैंने आज तक देखी नहीं, पहली बार आया हूँ। तो अब जाके समझ में आया कि भाई लेह कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, ठीक ठाक जगह है, हर चीज़ यहाँ पर मिलती है बढ़िया तरीके से। बस दिक्कत है यहाँ पर तो केवल मौसम की, कभी यहाँ पर मौसम बदल जाए। वसुधैव कुटुंबकम। ये देखिए सामने क्या खूबसूरत नजारा है, अरे वाह,
कुछ इस तरीके की चीजें ही हमने आज तक वीडियो में देखी हैं। तो भाई अभी दोपहर के 3:30 बजे हैं, अभी हम घूमने के लिए यहाँ पर निकले थे और अभी हम घूमते घूमते सबसे पहले आए हैं ले मार्केट में। बहुत ही खूबसूरत तरीके की मार्केट है भाई। मार्केट देखने के बाद अभी हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन देखने के लिए, जो कि है ले पैलेस। ले पैलेस जाने का रास्ता बड़ा पतला सा है, बड़ी पतली पतली सी गलियों में को होकर वहां पर हम जा रहे हैं और चढ़ाई है। एक तो हम ऑलरेडी वैसे ही काफी ऊंचाई पर हैं तो थोड़ा थोड़ा सा चलने में ही थक जा रहे हैं। इतना कुछ ज्यादा हम चले नहीं है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा जल्दी थक रहे हैं। अभी हम खड़े हैं ले पैलेस के बाहर, आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर जो है अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है तो हम बाहर ही जो है दो चार फोटोज वीडियोस लेके बस मोबाइल अपने रख के अंदर बस अंदर चल रहे हैं। एक बार टिकट ले लिया इसका। आप यहाँ पीछे देख सकते हैं ये है ले पैलेस और हम खड़े हैं 4th फ्लोर पर और हम जितना ऊपर जाते जा रहे हैं भाई पीछे सिटी का नज़ारा उतना ही ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा है। ये देखो मेरे पीछे पूरी ले सिटी है, उधर सामने पहाड़ और इधर ले सिटी, इधर ले पैलेस। अंदर यहाँ चल रही थी थोड़ी ले पैलेस के बारे में वीडियो और ये मेरे पीछे बिल्डिंग है और हम 6th फ्लोर पे हैं। ये 6th और 8th फ्लोर पे जाने का रास्ता इधर, देखते हैं भाई इधर क्या मिलता है हमें। ये दरवाजे बड़े छोटे छोटे हैं, झुक के निकलना पड़ता है हमें। अब फाइनली आ गए हैं 8th फ्लोर पे। हाय पहाड़ों के बराबर ही पहुंचते जा रहे हैं धीरे धीरे। ये देखो पैलेस तो घूम कर आ चुके हैं, 8th फ्लोर तक गए थे और अभी हम जा रहे हैं वापस यहाँ से। भाई यहाँ का एरिया पूरा ऐसा है जैसे अफगानिस्तान और ईरान के जैसे एरिया होते हैं ना जैसे। ये रास्ता जा रहा है हमारा शांति स्तूपा की तरफ, वो आई थिंक सामने शांति स्तूपा है। हर जगह जाने के लिए यहाँ चढ़ाई तो चढ़नी पड़ती है भाई। यहाँ से भी ले सिटी का पूरा अलग ही नजारा है। और ये हम नेक्स्ट लोकेशन शांति स्तूपा। शांति स्तूपा भी घूम लिया, नाम शांति स्तूपा है लेकिन लोग बहुत शोर मचा रहे हैं यहाँ पे। कीप साइलेंस के कई बोर्ड भी लगे हुए हैं
लेकिन लोगों को कहाँ शांति भाई। शांति स्तूपा घूमने के बाद अभी हम यहाँ से जा रहे हैं वापस पीछे शांति स्तूपा, इधर लेह सिटी, इधर पहाड़, उधर पीछे बर्फ़ वाले पहाड़, ऊपर बादल, उधर की तरफ सूरज और इधर की तरफ आप पेड़ भी देख सकते हैं कुछ यहाँ पर शहर के बीचों बीच। तो लगभग सब कुछ, बस एक नदी की कमी है मुझे लग रहा है कि है ना, ये थोड़ा सा रेगिस्तानी सा एरिया है, यहाँ पे पेड़ों की देखिए थोड़ी कमी है। मुझे लग रहा है कि बारिश यहाँ पर कमी पड़ती होगी, यहाँ पर बस बर्फ़ ही बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है और बाकी एरिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। कई लोगों से हमने बात करी, ज़्यादातर जो शॉप वाले हैं वे यहाँ पर जम्मू या फिर कश्मीर से आते हैं और जैसे ही यहाँ पर बर्फ़ पड़ने लगती है वो अपने अपने गांव वापस चले जाते हैं या फिर किसी और शहर में चले जाते हैं बिज़नेस करने के लिए। और यहाँ पर पड़ जाता है सन्नाटा, रहने वाले जो यहाँ पर रह जाते हैं वो होते हैं केवल यहाँ के लोकल लोग और वे ही यहाँ पर 12 महीने सर्वाइव कर पाते हैं जिनको आदत है बर्फ़ में रहने की, स्नो में रहने की। कुछ महीने तो लगभग ऐसा होता है जिसमें सारा अपनी ज़रूरतों का सामान घर पर भर कर रखना पड़ता है। तो इस तरीके से बीतती है यहाँ कुछ लेह में लोगों की लाइफ। काफ़ी कठिन जीवन है, पहाड़ों पर बार बार चढ़ना उतरना। खैर उन सब चीज़ों की तो इन लोगों को आदत हो ही जाती है क्योंकि ये लोग यहाँ पर रोज के रहने वाले हैं। बाहर के आने वाले लोगों को यहाँ पर सांस लेने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। जो चीज़ हमारे लिए यहाँ पर एडवेंचर है वो यहाँ के लोगों का एक डेली रूटीन है। इसी बात के साथ हम बढ़ते हैं अपनी आज की नेक्स्ट लोकेशन की तरफ जिसे कहते हैं हॉल ऑफ फेम। जैसे जैसे यहाँ शाम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे यहाँ पर ठंड भी बढ़ती जा रही है। हमने जो है कुछ गर्म पहन नहीं रखा है, काफ़ी ठंड सी भी अब मुझे लगने लग गई है यहाँ पर। दिन के समय सूरज की वजह से गर्मी और शाम के समय सूरज के ढलते ही सर्दी, यह है लेह लद्दाख। तो भाई यहाँ पर हमने हॉल ऑफ फेम भी देख लिया है और कुछ यहाँ पर ये टैंक्स रखे हुए हैं जो कि कभी ना कभी पुराने टाइम में ज़रूर यूज़ हुए होंगे और उसके अंदर म्यूज़ियम में जो आपको चीज़ें देखने मिलती हैं आर्मी के म्यूज़ियम में आपको सबको पता ही है। और एक चीज़ जो है जो हमारा पीछा पूरे लेह लद्दाख में कहीं नहीं छोड़ रही वो है ये पीछे आप देख रहे हैं माउंटेंस, इधर साइड में माउंटेंस, इधर मेरे पीछे माउंटेंस, इधर माउंटेन्स, चारों तरफ लेफ्ट राइट आगे पीछे हर जगह माउंटेन्स ही माउंटेन। तो भाई मैंने ये सोचा था जब भी मैं ना अपनी लेह लद्दाख की ट्रिप करूँगा ये वाला फ्लैग जो है अपनी बाइक पर जरूर बांधूंगा। तो इस बाइक पर भाई हमारा ये फ्लैग फाइनली बन चुका है। अभी हम होकर गुजर रहे हैं लेह की बहुत ही सुंदर सी मार्केट से होकर सामने एक पहाड़ों का सुंदर सा नज़ारा।
इधर की तरफ दुकानें थी, इधर की तरफ है हॉस्पिटल। भाई अभी समय हो चुका है ले में इवनिंग वॉक का, और भाई पता नहीं अभी मैं सही से यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ या नहीं। अभी मैं खड़ा हूँ ले में बीच चौराहे पे, और पीछे ये जो एंट्री पॉइंट है इसमें जो है रंग बार बार बदल रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो भाई अभी हम ले मार्केट आए हुए हैं और पूरा मस्त माहौल है एकदम, खरीद कोई कुछ नहीं रहा, सब फोटो खींच खींच के जा रहे हैं अपना। और हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे कोई मोमोज की दुकान, दिल्ली के तो बहुत खाली है। ये हमारे हैं वोल्केनिक मोमोज और ये हैं भूटानी मोमोज। इनका टेस्ट हमें नहीं पता अभी कैसा होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की यहाँ पर इन्होंने काफी सारी चटनी भी ला कर रख दी है। ये भूटानी मोमोज ट्राई कर रहे हैं, एक नंबर मोमोज भाई, वोल्केनिक वाला मोमोज जो है। पानी ले रहा, एक पानी दे दिए जिंदगी में ऐसे मोमोज नहीं खाए भाई, ये तो मोमोज खाने के लिए बार बार ले लद्दाख आ सकते हैं भाई। और ये सारे वेज मोमोज हैं, इन्हें नॉन वेज मत समझना, मन तो नहीं भर रहा। तो खाना ही नहीं तो मंगाया जाए आपको, एक दिन ज़्यादा खर्च करो थोड़ा सा। मोमोज मंगाए थे, मोमोज तो बहुत ही टेस्टी थे, एक नंबर। तो हमने सोचा कि डिनर भी आज यहीं करके चलते हैं। तो डिनर में अब जो हमने तीन चीज़ें मंगाई हैं, भाई ये चीज़ है ना बहुत टेस्टी लग रही है वाली ना, मुझे नाम नहीं पता मतलब किस चीज़ के पकौड़े हैं, लेकिन ये ना इस चीज़ से खाने में एक नंबर भाई, एक नंबर भाई। पिज़्ज़ा कैसा है तुम्हारी कैसी? कल हम बेसिकली निकलने वाले हैं एक बहुत ही शानदार सी लोकेशन के लिए, बहुत ही ज़्यादा ठंड हमें कल मिलने वाली है रास्ते में, और सुबह हम जल्दी यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। ले सिटी का ये टूर अच्छा लगा हो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त नवल, एंड आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम द वीडियो।